हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित हर एक खबर इस चैनल पर आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। वैसे विशेष रूप से ये कक्षा 9 का टॉपिक है, लेकिन कक्षा 10 और कई प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है, इसीलिए हम विभिन्न प्रकार की सर्व समीकरणों को सिद्ध करने का टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ये वैसे आप देखना चाहें तो 14.3 प्रश्नावली है कक्षा 9 की, उसको मैं आज एक एक प्रश्न उसका हल करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में भी सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर एक जो है दोस्तों, वो ये है कि कोस थीटा डॉट टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। हम LHS से RHS ये प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोस थीटा की जगह कोस थीटा रहेगा, लेकिन टेन का सूत्र होता है साइन बटा कोस, तो ये कोस से कोस कट जाएगा और क्या बचेगा दोस्तों, साइन थीटा। इसका हम मतलब हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमने प्रूव कर दिया है कि LHS बराबर होगा RHS के। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू देखें। क्वेश्चन नंबर टू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, बराबर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको हल करते हुए इसको प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, टेन को चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा और आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमने इसको भी हल कर दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन जो है आपका, वो ये है कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और हमें प्राप्त करना है इसमें कोसेक थीटा। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ लिख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम लेकर के हल करेंगे, तो यहाँ एलसीएम आएगा आपके साइन थीटा, और जैसे ही साइन थीटा एलसीएम आएगा तो ये तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही, और साइन को साइन से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सर्व समीका है, तो इसका मान सर्व समीका से एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin, और 1/sin होता है कोसेक थीटा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन भी हमने बड़ी आसानी से हल कर दिया है, जिसका आंसर हमें प्राप्त हो गया है कोस थीटा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार की अब चर्चा हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार जो है वो ये है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दो, हमें दो प्राप्त करने हैं इनको हल करके। तो देखें यहाँ पे दोस्तों, लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों, ये देखिए माइनस का और ये प्लस का दोनों आपस में कट जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक हो जाएगा, ऐसे ही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक हो जाएगा। तो एक और एक दोस्तों कितना हो गया, दो। इसका मतलब हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमने प्रूफ कर दिया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांच के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच आपका है
कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त करना है। ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। हम आरएचएस प्राप्त करेंगे एलएचएस से। तो दोस्तों आपने एक सूत्र सुना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपके ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हम बनाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और जब इसका हम प्रसार करेंगे तो ये आपके बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab। ए की जगह है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह है कोट स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा ए माइनस बी यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब आपने सर्वसमिका सुनी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जहाँ कहीं भी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आया हुआ है वहाँ हम 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसकी जगह 1, तो 1 का होल क्यूब प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह भी आ जाएगा 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना बड़ी आसानी से हल हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, और हमें प्राप्त करना है सेक थीटा। तो इस सर्वसमिका को हल कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए हल कर देते हैं। साइन स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा ही नोट कर देंगे, कोस की जगह कोस थीटा ही रखेंगे, लेकिन टेन की जगह हम चेंज कर देंगे साइन बटा कोस के रूप में, और वापस आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। चलिए दोस्तों इसको आगे और हल कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन साइन वापस हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बन जाएगा। अब देखें दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो इसको अलग से लिखेंगे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचा कोस थीटा प्लस यहाँ पे आपके बचा 1 अपॉन कोस थीटा, और ये लास्ट में लिखा हुआ है कोस क्यूब थीटा। चलिए दोस्तों इसका आगे हल और कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोस एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस क्यूब थीटा। चलिए दोस्तों अब देखिए साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपका आया हुआ है कोस थीटा प्लस इधर चल रहा है कोस क्यूब थीटा। तो दोस्तों देखें यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 1, लेकिन कोस का स्क्वायर जब करेंगे कोस 4 थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। यहाँ पर पूरे का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 लेकर के, तो एलसीएम आएगा आपके कोस थीटा, और ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस कोस 4 थीटा प्लस कोस क्यूब को कोस से गुणा करवाएंगे तो कोस 4 थीटा, ये प्लस माइनस के कारण कट हो जाएगा और बचेगा 1 अपॉन कोस, और 1 अपॉन कोस होता है आपके सेक थीटा। तो दोस्तों आप देख रहे थे हमें सेक थीटा ही प्राप्त करना था, इसलिए हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो चलिए हमने छठा क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर दिया है। चलिए दोस्तों इस तरफ ही क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं।
मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ बीच में। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि कोस थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोट थीटा, और हमें प्राप्त करना है साइन प्लस कोस थीटा। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए टेन और कोट को हमें साइन और कोस के पदों में पहले बदलना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कोस थीटा, प्लस साइन की जगह साइन लेकिन कोट को लिखेंगे कोस अपॉन साइन थीटा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें आप, ये यहाँ आएगा एलसीएम, एक एलसीएम कोस आ जाएगा, एलसीएम साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके कोस थीटा, यहाँ गुणा होगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम आया था कोस थीटा। ऐसे यहाँ पे ये आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम आया था साइन थीटा। ये यहाँ पे ऊपर जाके गुणा हो जाएंगे, और इस साइन माइनस कोस को इस कोस माइनस साइन की तरह बदलने के लिए हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना है। तो कोस और कोस हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा हुआ है कोस माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे साइन साइन हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको कोस माइनस साइन बनाने के लिए यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा आपके माइनस, और ये हो जाएगा कोस माइनस साइन थीटा। चलिए दोस्तों, अब इसका सामूहिक रूप से जब हम एलसीएम लेंगे तो कोस माइनस साइन एलसीएम आ रहा है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर आपके बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको जब हल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में बदलेगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि ए माइनस बी, और नीचे आपके इसमें बन जाएगा कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन से कोस माइनस कट जाएगा, इसको हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो दोस्तों, ये हमें प्राप्त करना था, तो हम लिख देंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स, ये है कि कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1, और हमें प्राप्त करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसे हमें ये लाना है। तो दोस्तों, चलिए इसको हम शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी जोड़ कर देंगे, माइनस 1 है यहाँ पे, सीधी जोड़ करेंगे, तो एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, एक तो आएगा कोसेक थीटा माइनस 1 और एक आपका आएगा कोसेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे कोसेक थीटा को हमें कोसेक प्लस 1 से गुणा करवाना है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। चलिए दोस्तों, इसको हम अंदर गुणा भी करवा लें, कोसेक को कोसेक से गुणा करवाएंगे, तो ये बनेगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक को एक से गुणा करवाएंगे, तो ये बनेगा आपके कोसेक थीटा प्लस कोसेक को कोसेक से गुणा करवाएंगे, तो आपके बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को माइनस एक से गुणा करवाएंगे, तो माइनस कोसेक थीटा, और अपॉन में आपके क्या चल रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में, तो ये आ जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कट गया, ऊपर कोसेक, कोसेक स्क्वायर दो बार है, इसलिए हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह हम लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। 2 की जगह 2, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोट को कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके उल्टा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन कोस स्क्वायर
थीटा टू गुणा को वन अपॉन कोस को हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपके टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें लाना था, इसलिए दोस्तों लिख देंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो चलिए दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम 9 ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका यह है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यह हमें प्राप्त करना है। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे LHS में LHS और ये हो जाएगा RHS। तो हम क्या करेंगे अंश और हर में, अंश व हर में 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करवा देंगे तो ये क्या आएगा साइन 1 माइनस कोस, गुणा करवाएंगे 1 प्लस कोस से ऊपर और 1 प्लस कोस से नीचे। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये आएगा 1 माइनस कोस भी आएगा और 1 प्लस कोस भी आएगा। जब वज्र गुणा करवाएंगे तो साइन थीटा गुणा होगा 1 प्लस कोस थीटा से, ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब देखें दोस्तों अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया है, जब ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपके यहाँ तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और जब इसको गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे वापस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन से साइन कट जाएगा और आपके ऊपर बजेगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे बजेगा आपके साइन थीटा, ये हमें प्राप्त करना था। तो हम लिख देंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल हम ले रहे हैं क्वेश्चन क्रमांक 10, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं अब हम। तो ये कैसे हल होगा दोस्तों, इसमें हमें एलसीएम लेके सीधे ही जोड़ करनी है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये जब एलसीएम आ जाएगा तो साइन को साइन से गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हल कर लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम और हल करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन और 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर 2 और 2 ये 2 ये हो गए और ये 2 ये हो गए हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन आके ये बनेगा 1 प्लस कोस और नीचे है साइन और 1 प्लस कोस। तो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन, तो ये 2 1 अपॉन साइन होता है दोस्तों कोसेक थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा एल एच एस इक्वस टू आर एच एस। तो चलिए दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने हल कर लिया। हालांकि नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि कक्षा 10 में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन क्रमांक 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अंडरूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडरूट 1 प्लस साइन थीटा
इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमें जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे, चाहे वो सेक के पदों में हो, साइन के पदों में है, कोस के पदों में, इससे जस्ट अगला 12वां क्वेश्चन सेक के पदों में है तो वो आप खुद कर लेंगे। मैं 11वां क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो कि साइन के पदों में है। दोस्तों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको वहाँ परिमेयकरण करवाना है। और परिमेयकरण कैसे करवाते हैं, अंश और हर में हर का उल्टा साइन लेकर के गुणा करना है। तो ये मैंने वापस वैसा का वैसा लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ, 1 प्लस है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से। जब गुणा करवाएंगे तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह एक है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपके, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और कोस स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कोस थीटा। तो हमें यही प्राप्त करना था, 1 माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। तो दोस्तों देखें LHS इक्वल्स टू RHS। तो चलिए दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 12 सेम वैसा ही है परिमेयकरण वाला। क्वेश्चन क्रमांक 13 अब मैं ले रहा हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 13 आपका है रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टे में है कोसेक थीटा और हमें लाना है इसमें कोस थीटा। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडरूट कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कोट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटा साइन और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन और ये ऊपर जाकर उल्टा होगा तो हो जाएगा साइन अपॉन 1। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपके बचेगा कोस थीटा। तो हम लिख देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों देखें क्या है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और हमें लाना है इसमें 2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखें हम कोट और टेन को बदल देंगे साइन और कोस में तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको बदलेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कोस प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस, ये हम कर देंगे। तो अब देखें दोस्तों यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ एलसीएम आएगा साइन थीटा तो ये बनेगा आपके 1 प्लस सॉरी साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और यहाँ पर दोस्तों एलसीएम क्या आएगा कोस, तो ये बनेगा आपके कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, ये पूरा ए माइनस बी, ये पूरा ए प्लस बी। तो यहाँ पे एलसीएम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके साइन और कोस, और जब यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी लग जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आप देखें इसको हल करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a का वर्ग a के होगा और नीचे लिखा हुआ है साइन और कोस। तो दोस्तों देखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन कोस माइनस 1 अपॉन साइन और कोस, ये 1 से 1 प्लस माइनस के कारण कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 साइन
कोस अपॉन साइन और कोस, तो ये साइन कोस से साइन कोस कट का जाएगा टू। तो दोस्तों LHS इक्वल टू RHS। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 14.3 पूरी की पूरी प्रश्नावली बड़ी आसानी से कंप्लीट कर ली है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।